हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल है? उम्मीद सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मेरे पास एक फ़ोन आया है जिसकी कंडीशन जो है ना कुछ इस तरह से है। आप लोग देख सकते हो, कस्टमर का कहना है कि फ़ोन गिर गया था और इसके बाद इसकी कंडीशन ऐसी है। और किस्मत की बात यह है कि इसका जो फ़ोन का जो डिस्प्ले है वो ओके है। इस पर वीडियो बनाने का मकसद ये था कि अगर आपके पास कोई ऐसा फ़ोन आ जाए और उसका जो इनर है वो इस तरह से जो है ना ख़राब हुआ है, बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है, तो इसको आप लोगों ने वापस कैसे रिपेयर करना है, इसकी सेटिंग कैसे करनी है आपने। तो आज की ये जो वीडियो है, ये सब वीडियो इसी सिलसिले में है। सो आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। आप लोग इससे बहुत कुछ सीख पाओगे कि अगर आपके पास ऐसा फ़ोन आ जाए तो आप लोग इसके अपने बॉडी को, इसके अपने इनर को रिपेयर कर सकते हो, बजाय इसके कि आप इसको चेंज करें। चेंज करने के बग़ैर भी जो है ना आप इसको सेट कर सकते हो। सो यहाँ पर मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा वक्त बच सके और फिर जो है ना आगे का प्रोसेस आप लोगों के सामने ही होगा। ठीक है जी। ओके, तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो इस फ़ोन को मैंने खोल लिया है। अभी इसका जो स्क्रीन है इसको भी हम इसके इनर से अलग करेंगे। तो इसके लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ नॉर्मली एक्सरे को। ठीक है जी, ये हर जगह पे मौजूद होती है, एक सिंपल चीज़ है जिसकी मदद से आप स्क्रीन जो उतारते हैं ना वो इससे अब आसानी उतर सकता है। ठीक है जी। सो ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, बहुत ही जो है ना प्यार मोहब्बत से मैंने इसके एलसीडी को इस इनर से अलग कर दिया। अभी आप लोग देख सकते हो इसका जो खड़ा है वो बिल्कुल टेढ़ा है, इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो अभी इस चीज़ को हम कैसे क्लियर करेंगे? सिंपली अपने हाथों से ही आप इसको क्लियर कर सकते हो। इसको बहुत आसान तरीके से आप लोग इसको क्लियर कर सकते हो, लेकिन इसमें जो है ना थोड़ा सा टाइम लग सकता है कि कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मेहनत के बगैर कुछ भी नहीं होता। अगर आप इसके इनर को ठीक कर सकते हो, आप लोगों ने इसको इसी तरह से जोड़ देना है उस साइड पे, लेकिन ज़ोर भी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि ये अक्सर औकात टूट भी सकता है। ठीक है जी। बहुत आराम आराम के साथ, थोड़ा सा वक्त आपका इस पर ज़ाया हो सकता है, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ अगर आप इसको क्लियर करोगे
और कस्टमर से पैसे लोगे ना, तो नए के बजाय आपको इसमें पैसे भी ज़्यादा बचेंगे और कस्टमर को भी फ़ायदा होगा। अगर कस्टमर इसका जो इनर चेंज करेगा तो उसके मेरे ख्याल से 1000-1200 रुपये जो है ना इस इनर के आते हैं, ठीक है जी, जो पूरी बॉडी आती है। अगर आप इसको 500 में ये ठीक करोगे तो आपको पता है इस कंप्लीट इनर को चेंज करने में आपकी 200 रुपये भी मजदूरी नहीं होती। लेकिन अगर आप इस अपने वाले को ठीक करके कस्टमर को कहोगे कि मैंने आपका अपना जो इनर है वो ठीक किया हुआ है, आप इस तरह करें कि नया 1000 रुपये का है, आप मुझे 500 दे दे, 400 दे दे, तो वो आपके सारे हो गए। तो इससे जो है ना आपको भी फ़ायदा होगा और कस्टमर को भी फ़ायदा होगा। इसको ओके करने के बाद, सीधा करने के बाद इसको टेस्ट करना है, तो किसी शीशे के ऊपर आप लोग इसको रख लें और देख लें कि ये इसके चारों साइड से आप इसको देख सकते हो। अगर कोई साइड इसका ऊपर है तो आप इसको हाथ की मदद से फिर से इसको क्लियर कर सकते हो। इसी तरह जिस तरह मैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, इस मेरे उंगली पर आप लोग थोड़ा सा गौर कीजिए तो ये अभी भी एक साइड पर है। इसी तरह आप इसको क्लियर कर सकते हो। तो उम्मीद है इससे जो इसका इनर है वो भी क्लियर हो जाएगा और आपका जो प्रॉब्लम है वो फिक्स हो जाएगा। इसी तरह से आप लोगों ने थोड़ी सी मेहनत करनी है, इस पर टाइम ज़्यादा लगेगा। यहाँ पर आप लोगों ने ज़ोर ज़बरदस्ती भी बिल्कुल नहीं करनी है क्योंकि ये बहुत ही बारीक होती है। अगर आप यहाँ पर ज़ोर ज़बरदस्ती करोगे तो ये ख़राब भी हो सकता है। बाकी इसके जो साइड है, अगर ये टेढ़े वेढ़े हैं तो इसके लिए जो है आप स्क्रू ड्राइवर को यूज़ कर सकते हो, जिस तरह ये मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसको सीधा करने के बाद शीशे पे रख के मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ वीडियो में आप लोग देख सकते हो इसकी हालत कैसी हो गई, ना ये टूट गया ना कहीं पे ब्रेक वगैरह ख़राब हो गया और ये बिल्कुल क्लियर हो गई है। इस साइड पर थोड़ी सी जो है ना अभी भी इसके इनर में कुछ यहाँ पर ये मेरे उंगली से के साथ आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। इसको भी मैं स्क्रू ड्राइवर से ज़ोर दे के इसको भी मैं क्लियर कर सकता हूँ यहाँ पर। इसी तरह अगर आप मेहनत करोगे तो ये हो जाएगा। आप लोग देख सकते हो बहुत ही बेहतर हो गया, पहले से तो बहुत ज़्यादा बेहतर हो गया। अभी आप थोड़ा सा और मेहनत इस पर करोगे तो ये और भी क्लियर हो जाएगा। इसी तरह से आप लोगों ने जो है ना इसके अंदर भी, क्योंकि अगर इसका अंदर वाला साइड बाहर की तरफ निकला होगा तो फिर इसमें वाइट स्पॉट आएंगे, ठीक है। तो वाइट स्पॉट्स से बचने के लिए डिस्प्ले में फिर वाइट से स्पॉट आ जाते, तो आप लोगों ने इसको इसी तरह से जो है ना क्लियर करना है। बाकी इसको एक साइड, दूसरा साइड, ठीक है जी, ये वाला साइड अभी भी थोड़ा सा फर्क है, आप लोग देख सकते हो। इसको हम सीधा करेंगे, ठीक है जी, अभी भी इस पर काम करेंगे, देख सकते हो, ठीक है जी। ये यहाँ पर ये वाला साइड, ठीक है, ये बाकी साइड बिल्कुल क्लियर बैठे हुए, ठीक है जी, ये हो गया जी। आप लोग देख सकते हो अभी भी इसमें ये थोड़ी सी प्ले है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इस साइड पर मैं ज़ोर देता हूँ ना तो उस साइड पर थोड़ा सा प्ले है इसमें, तो आप लोगों ने इसको भी क्लियर करना है इसी तरह से, ठीक है जी। फिर से चेक कीजिए, अभी हम चेक करेंगे। तो अभी आप लोग देख सकते हो इसकी जो प्ले है वो ख़त्म हो गई है, ठीक है, हर एक साइड से, ठीक है। तो ये हो गया है क्लियर। अभी आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना है ज़्यादा, इसको फिट करना है, पिक्स करना है। पिक्स करने के लिए आप लोग इस पर गम का यूज़ करेंगे। मेरा मशवरा तो यही है कि आपके पास अगर ब्लैक कलर का यूनिट आता है तो आप इसके लिए ब्लैक गम को यूज़ कीजिए, और अगर आप जो है ना वाइट कलर का जो है ना यूनिट वगैरह आता है तो उसके लिए वाइट को यूज़ कीजिए। सो आप लोग देख सकते हो इसको मैं यहाँ से कर रहा हूँ इसको, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो इसको, आप लोगों ने गम जो है ना इसके ऊपर वाले साइड को नहीं देना है, थोड़ा सा नीचे जहाँ जिस इनर पर जो है ना वो इसका LCD बैठता है ना, तो वहाँ पर आप लोगों ने जो है इसका गम लगा देना है, ठीक है जी। यहाँ पर इस तरह आप लोग देख सकते हो ऊपर वाली जगह पर आप लोगों ने थोड़ा सा कोशिश करना है कि इसके बाद यहाँ पर सेंसर होता है तो सेंसर के ऊपर आप लोगों ने बिल्कुल नहीं लगाना है। इसकी जगह आप लोग नीचे लगा सकते हो, नीचे लाजमी लगाना है क्योंकि नीचे के साइड से फिर जो है ना इसमें डस्ट वगैरह चला जाता है, इसका सेंसर भी काम छोड़ लेता है और कैमरे वगैरह में भी डस्ट होता है। तो आप लोगों ने इसी तरह से, ठीक है, नीचे वाले साइड पर, इनर के नीचे वाले साइड पर आप लोगों ने इसको गम देना है, सही है। इसी तरीके से गम थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ऊपर के साइड नहीं होना चाहिए क्योंकि फिर गम बाहर की तरफ निकलता है और इसकी फिटिंग और सेटिंग अच्छी नहीं होती, सो बुरा लगता है। आप लोगों ने बिल्कुल तरीके के साथ इसको इस तरह लगा देना है, सही है जी, ओके।
ये आप लोगों के सामने ही हो रहा है। और इसके बाद हम इसकी LCD को यहाँ पर पिक्स करेंगे। LCD पिक्स करने के लिए हमेशा मैं आप लोग को बताता हूँ कि LCD के रिबन लगाने के बाद आप लोगों ने LCD को थोड़ा सा ऊपर करना है, क्योंकि जहाँ पर रिबन लगी हुई है ना, नीचे आप लोग देख सकते हो जिस जगह पे, यहाँ जिस जगह पर रिबन लगी हुई है ना, ये इसकी मीडिया है, तो इसको आप लोगों ने थोड़ा सा आगे करना है। ठीक है जी, थोड़ा सा आगे करेंगे और इसको वापस फिर पीछे धकेलेंगे ना, तो फिर ये बिल्कुल क्लियर बैठेगी। ठीक है जी, इस तरह ये थोड़ा सा आगे मैंने इसको रख दिया है। अभी इसको ऊपर की तरफ से मैं नीचे की तरफ जो है ना धकेलूँगा। ठीक है, देख सकते हो आप लोग, तो इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी आपकी डिस्प्ले एक कहीं किसी भी टाइम अगर आप इसको लगाओगे ना, तो कभी भी आपकी जो डिस्प्ले है ना उसमें लाइंस नहीं आएंगे, वो डिस्प्ले टूटेगी नहीं। सो बहुत अच्छे तरीके से आप लोग इसको रिपेयर कर सकते हो। यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ होक को, आप लोग रबड़ को भी यूज़ कर सकते हो, जो नॉर्मली टाइप वगैरह होता है उसको भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर ये नॉर्मल हुक है, मैंने इसको रखे हुए, मैं इसको यूज़ करता हूँ। तो आप लोगों ने जो है ना पूरे सेट को फिट नहीं करना है, इस पर जो है ना आप लोगों ने हुक वगैरह लगाने हैं, और उसके बाद जो है ना आप लोगों ने इसको 1 घंटे तक रखना है। ठीक है जी, ऐसा ना हो कि कस्टमर सर पर बैठा और वो कहे कि जल्दी इसको करो, तो थोड़ा सा टाइम कस्टमर से लेना चाहिए, क्योंकि इसका इतना बड़ा मसला सॉल्व होता है तो वो थोड़ा सा टाइम तो ज़रूर देगा आपको। सही है जी, तो ये आप लोग देख सकते हो ये मैंने लगा दिए है यहाँ पर, जितने भी जो है ना हुक वगैरह थे ये मैंने यहाँ पर लगा दिए है। अभी हम इसको रखेंगे थोड़े से टाइम के लिए, तकरीबन 1 घंटे के लिए, और 1 घंटे के बाद जो है ना हम इसको उठा के चेक करेंगे कि ये ओके है कि नहीं। ओके, तो दोस्तों हाँ, तकरीबन 1 घंटे के बाद मैंने इसको जो है ना यहाँ पर उठा लिया है, बिल्कुल क्लियर है। अभी वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके जल्दी जल्दी से हम इसको फिट करते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं और आप लोग को दिखाते हैं कि इसका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं और कैसे हुआ। ओके, तो दोस्तों ये हो गया है क्लियर, आप लोग देख सकते हो। इस फ़ोन को मैं ऑन करता हूँ। ठीक है जी, ये फ़ोन ऑन हो गया और इसकी कंडीशन कुछ इस तरह है, आप लोग देख सकते हो इसको। तो आई होप ये वीडियो जो है ये आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, इसे आप लोगों ने कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखा होगा। अगर आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में मुझे अपने राय से ज़रूर आगाह कीजिए। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।